ध्यानचंद जी भाई साहब राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। जय गो माता। जय गोपाल जी, जय गो माता। साहिवाल नस्ल के गढ़ में खड़े हुए हैं आज। हाँ जी। और आज उस गढ़ में आप गिर नस्ल की गाय भी लेके आए हो। ये गिर की भी आई है जी। गिर गाय भी लेके आए। हाँ जी, हाँ जी। और गाय साहिवाल ही है जी। हाँ जी, और साहिवाल ही है जी। ठीक, आपके पास वैसे ज्यादातर साहिवाल नस्ल की गाय मिलती है। होती है जी, ये 100 में से एक ही निकलती है गिर। 100 में से एक ही ऐसी गिर निकलती है। गिर एक ही निकलती है जी। ठीक है जी, इन सभी गायों के बारे में आपसे पूरी डिटेल लेंगे। अपने एक पिछली वीडियो में भी गिर बछड़ी थी पहलवान। अच्छा, फर्स्ट की। हाँ, फर्स्ट टाइमर। हाँ, वो सबसे पहले वही सेल हुई थी। अच्छा। अब की बार भी उम्मीद करेंगे कि जी ये गिर गाय सबसे पहले ही सेल हो जाए। हाँ, क्योंकि गाय बड़ी है। गाय बड़ी है और बड़े हेडर वाली है। पूरी कदकदावर है जी। हाइट भी अच्छी है। हाइट अच्छी है जी। कम्प्लीट डिटेल जानेंगे जी। सबसे पहले आप अपना यहाँ का एड्रेस बता दो जी। एड्रेस जी सिरसा जिला है जी। तहसील रानी है। मंगालिया गाँव है जी। ठीक है। हरियाणा के रहने वाले। ठीक है, मोबाइल नंबर भी दे दो जी साथ साथ। मोबाइल नंबर है जी 99 939 11 354। ठीक है जी। हाँ जी। ये नंबर व्हाट्सएप के थ्रू अगर कांटेक्ट करें तो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप दोनों चल रहे हैं इस पर। मैसेज और वीडियो कॉल दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। कोई मैसेज करे तो भी जवाब दे दोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई फोटो मांगे गाय की। हाँ जी, मिल जाएगी। मिल जाएगी। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी। सबसे पहले इसी गाय के बारे में डिटेल दे दो जी। नस्ल बताओ। नस्ल जी गिर है जी, प्योर। ये सबसे पहले अपनी बात होगी। हाँ जी, हाँ जी, 100 की 100 प्योर है जी। 100 की 100 प्योर है। माथा देख रहे हैं, माथा देखिए, ये गिर नस्ल की गायों में है। ये पैटर्न देखिए माथे का, काफी शानदार शेप है। उभरा हुआ माथा है और साथ में ये ऊपर अंदर की तरफ घुमा हुआ माथा है। अंदर की तरफ दसा हुआ है। अंदर की तरफ, जैसे पिछली बार आपने उंगलियां डाल के दिखाई थी। हाँ जी, ये देखो जी, ये अंदर उंगलियां चली जाती है। हाँ, इसी तरीके का माथे का शेप गिर नस्ल का होता है। कानों की शेप बिल्कुल नीचे को लंबे लंबे कान। हाँ जी, हाँ जी। लंबे कान, ये खास निशानी है जी गिर की। हाँ जी, खास निशानी है। यही निशानी मिलती है गिर के अंदर। माथा उभरा हुआ रहेगा। हाँ जी, लंबे नीचे झुके हुए कान, नीचे झुके हुए, नीचे को मिलते हुए, नीचे की तरफ मिलते हुए। हाँ जी, मिलते हुए। इनमें कहा जाता है जी, अगर सिक्का भी रखे 5 रुपए का, हाँ जी, तो पड़ा हुआ रह जाता है। हाँ, ऐसे ही कान है इसके भी। हाँ जी, हाँ जी। अंदर की तरफ घूमे हुए, अंदर की तरफ घूमे हुए। प्योरिटी जिन गायों में ज्यादा होती है उनमें कहा जाता है, उनमें कहा जाता है पान के पत्ते के समान कान होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन से ब्यांत में जी? दूसरे में ब्याई है जी। दूसरे में ब्याह चुकी है। हाँ जी, पीछे बछड़ी है। बछड़ी है, फीमेल काफ। फीमेल काफ है जी। ठीक है जी, इस गाय की दूध क्षमता और बता दो जी। दूध जी फर्स्ट ब्यांत में इसने 17 लीटर दूध निकाला हुआ है। फर्स्ट ब्यांत में 17 लीटर जी। अच्छा, तो इस बार कितने की उम्मीद रखें? कोई 1-2 लीटर और बढ़ा देगी, 18 लीटर पर मानो चली जाएगी। खीस कितना निकाला है अभी? खीस 14 लीटर है जी। 14 लीटर, 7 लीटर एक टाइम का। हाँ जी, कल की भी। अच्छा, कल की भी है। हाँ जी, स्वभाव भी परख लीजिए। बिल्कुल शांत स्वभाव। व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं, स्वभाव परखिए। स्वभाव भी गजब का है। गाय का और भाई साहब का, खुद का, दोनों का ही स्वभाव लाजवाब है। भाई साहब भी बड़े प्रेम से पेश आते हैं इन गायों के साथ। हाँ जी। रेगुलर मैं इनकी वीडियो कवर करता हूँ और देखता हूँ कि गायें खुद ही सहलाते हैं। हाँ, खुद ही नहलाते हैं। खुद ही नहलाते हैं और खुद ही खिलाते हैं। हाँ जी, खिलाते पिलाते नहलाते सहलाते सब कुछ खुद ही करते हैं। हाँ जी, खुद ही करते हैं। ये सेवा खुद ही करते हो जी? हाँ जी, हाँ जी, खुद ही सेवा करते हैं जी। कीमत क्या रखोगे जी? कीमत जी इसकी 1-10 है जी। 1,10,000। 1,10,000। तो ये 1,00,000 लोगे या 1,10,000? वो कोई बात नहीं, हो जाएगी थोड़ी बहुत ही बार्गेनिंग हो जाएगी। बाकी 1,10,000 रुपये प्राइज है जी। पूरा प्राइज आपका 1,10,000 ही है। हाँ जी, जो बार्गेनिंग होगी, जो प्राइज में मोल भाव होगा वो। हाँ, हो वो सकता मान सम्मान ही होगा जी। मान सम्मान ही होगा। हाँ जी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे गाय और है जी, बड़े ऑर्डर वाली, ये भी दिखा दो। ये फर्स्ट बार में जी, पहली बार। फर्स्ट बार की है। हाँ जी, पहली बार की। ऑर्डर तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है। हाँ जी, 15 लीटर है जी दूध कैपेसिटी इसकी। दूध 15 लीटर पहले ब्यांत में। पहले ब्यांत में। साहिवाल नस्ल की गायों में सुना बहुत है जी, 15 लीटर पहले ब्यांत में मिल जाता है। 2 दांत बछड़ी है जी, मुंह से 2 दांत है। 2 दांत। दिन कितने ले लेगी जी ब्याने में? ब्याई हुई है जी, बछड़ा। अच्छा, ब्याई भी है। हाँ जी, ब्याई। तो फिर तो दूध कुछ निकाल रही होगी। हाँ जी, अभी 13 लीटर खीस निकाल रही है। 13 लीटर खीस तैयार है। अगर इतना तैयार है तो पक्का 15 लीटर दे देगी। 15 लीटर पर आराम से जाएगी जी, क्योंकि 13 लीटर दूध देने वाली गायों की क्षमता 15 लीटर तक चली जाती है, अगर पहले ब्यात में ताजा ब्याई भी दे दे तो। हाँ जी, हाँ जी, 20 दिन तक कोई भी सज्जन भाई ले, 2 टाइम आके दूध निकाल सकता है। अच्छा, अपने हाथ से दूध निकाल के चेक कर। हाँ जी, हाँ जी। आप कितना खीस निकाल रहे हो अभी? 13 लीटर। 13 लीटर। और ब्याई भी वो कितने दिन हुए जी? आज 2रा दिन है जी। 2रा ही दिन है? हाँ, 2रा ही दिन। और काफ जी? काफ बछड़ा है जी, पीछे मेल काफ है। हाँ जी, साहिवाल नस्ल की प्योरिटी इस गाय में काफी शानदार है। सींग भी है। हाँ जी, गलकंबल भी है। नाभी भी लंबी है। अडर भी टाइट वाला है। हाँ जी, पूरा अडर टाइट है। कदकाठी मीडियम है। मुठिया वाला थन लगा जी। कद मीडियम है। हाँ, कद मीडियम है जी, क्यों फर्स्ट ब्यांत की 2 दांत ही है अभी। अच्छा, मुंह से 2 दांत है तो अभी तो आने वाले 3रे 4थे ब्यांत तक शरीर भरेगी। दूसरे ब्यांत में 20 लीटर पर जालेगी बछिया।
ये 20 लीटर तक आराम से जलेगी। 15 अभी आप उम्मीद कर रहे हो, तो दूसरे तीसरे तक तो 20 जली जाएगी, तक लीजिएगी आराम से। कीमत क्या रखोगे जी? कीमत 75,000 रुपए रखिए। 75,000 रुपए? हाँ जी। 75,000 रुपीज। 75। दो गाय देखिए भाई साहब की, दोनों ही लाजवाब है। हाँ जी, दोनों। बाकी दो और देखेंगे। हाँ जी, वो भी कैसी लाजवाब निकलेंगी और कीमत में कैसी रहेंगी। इस गाय की भी डिटेल शेयर कर दो जी। ये देखो जी, भारी भरकम, पूरी हाथी के शरीर जैसी। हाँ, भारी है, बॉडी में भारी है। बॉडी में भारी हैवी है, पूरी है, बोन स्ट्रक्चर भी हैवी है। और स्वभाव तो आप परख लीजिए भाई साहब की, सभी गाय ठंडे ठंडे स्वभाव वाली रहती है। कितने दिन ले लेगी जी ब्याने में? ब्याने में अभी यही हफ्ता ले जाएगी। हफ्ता ले जाएगी? हाँ, हफ्ता ले जाएगी। अडर काफी खूबसूरत है, थन देखिए, मुठिया वाला थन लगा हुआ है, मोटे मुठिया थन है। हाँ, थनों का साइज अच्छा है, मुठिया थन है। ये कितने दूध वाली है जी? ये दूध बना जाएगी जी 15 लीटर। 15 लीटर? हाँ जी। तो 15-15 लीटर वाली गाय आपके पास है आज? हाँ जी। ठीक है, साहिवाल ब्रीड की गाय है, 15 लीटर वाली है। अडर क्वालिटी, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई, खुली जोड़ी है, खुली जोड़ी की, अच्छे पीठ पुट्ठे की है। दूध 15 लीटर बना लेगी? 15 लीटर आराम से बना जाएगी। ठीक है जी। और लगभग एक हफ्ता ब्याने में बचा हुआ? एक हफ्ता ब्याने में। कीमत क्या रखोगी जी? कीमत इसकी 55,000 रुपये। 55,000? हाँ जी। 55,000 रुपीज़? 55। ठीक है जी भाई साहब, चौथी गाय भी देख लेते हैं जी। इस गाय की भी डिटेल शेयर कर दो। ये फर्स्ट में ब्याई हुई है जी, कल ही ब्याई। फर्स्ट ब्यांत में? हाँ जी। पहले ब्यांत में? पहली बार ब्याई है, कल ही ब्याई है जी। अच्छा, ये क्या काफ लिया है जी? बछड़ी है जी इसके पीछे। इसके साथ बछड़ी है? हाँ जी। लॉटरी है? हाँ जी। दूसरी गाय है आपकी जिसके साथ लॉटरी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक गिर थी, वो भी ब्याई हुई थी जी। हाँ जी। उसके साथ ही बछड़ी? उसके साथ ही बछड़ी। इसका खीस कितना निकाला है जी? खीस इसका अभी 4 लीटर टाइम का है। 4 लीटर एक टाइम का? कल ही ब्याई है ये। अच्छा, कल ही ब्याई है। हाँ। तो ये कितने तक चली जाएगी जी? ये 12 लीटर दूध देगी जी। 12 लीटर दूध दे देगी? ठीक है जी। 12 लीटर यानी कि 6 लीटर एक टाइम का दूध निकाल देगी। हाँ जी। अगर दूसरे तीसरे ब्यांत तक देखें तो ये कितने दूध तक जा सकती है? ये 15-16 लीटर पर जाएगी। 15 लीटर तक चली जाएगी दूसरे तीसरे ब्यांत तक? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, साथ साथ चला के दिखाइए गाय आपको। दो दांत है जी ये भी, मुंह से दो दांत है और पहला दांत बछड़ी साथ में। हाँ जी, शाहीवाल बछड़ी है जी, लाल कलर। सब कुछ गजब गजब की डिटेल है जी। हाँ जी, हाँ जी। कीमत क्या रखी है जी? कीमत इसकी 35,000 रुपए रखी। 35,000? हाँ जी। 35,000 रुपीज? हाँ जी। फाइनल वाले मोल बताए हैं? बस फाइनल। और 35,000 रुपए में गाय बता रहे हैं, पहले ब्यांत वाली बछड़ी वाली? बछड़ी वाली जी। गजब की डील है। उम्मीद करेंगे भविष्य में भी आप ऐसी शानदार गायें ऐसी प्राइस रेंज में दिखाओगे। हाँ जी, हाँ जी। अपना प्राइस ऐसा ही होता है जी, कीमत जायज सी रहती है, गाय के हिसाब से। हाँ जी, गाय के हिसाब से कीमत होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसी गाय हो वैसी कीमत रख के। हाँ, बहुत ही अच्छा जी। उम्मीद करेंगे भविष्य में भी ऐसी गाय और भी हाँ जी ऐसी प्राइस रेंज में मिले। बस यही प्राइस जी, यही रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। प्राइस और ऊंचे प्राइस, वो जैसा कस्टमर का डिमांड होती है वैसी वैसी लेके आते हो। कम प्राइस वाला भी लेना चाहते हैं कस्टमर, ऊंचे ऊंचे प्राइस की ले आए, कम वाला देखता रह जाए। हाँ, तो दूध चाहिए। हाँ, दूध तो उसको भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। गाय तो सही में पालने वाले कम कीमत वाले रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो शौक के लिए तो सभी पालते हैं जी, शौक के लिए सभी पालते, लेकिन जरूरत के लिए भी पालने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिनको हाँ दूध की जरूरत है। हाँ जी, घर में परिवार को पालना है। अब कोई भाई तो ब्रीडर बैठे हैं, वो तो कितनी महंगी हो, उन्होंने तो ब्रीडिंग करनी है, बढ़िया गाय लेनी है, तो वो ब्रीडिंग के लिए ले लेते हैं। कोई भाई जिसने केवल दूध ही देसी गाय का पीना है, दूध के लिए रखनी है, तो वो छोटे भाव में भी ले सकते। वो छोटे भाव की ले सकते हैं। हाँ, ऐसा भाव रखते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। जय गो माता भाई साहब। जय गो माता जी।